दोस्तों नमस्कार। नो बकवास टेक की बात। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वायरलेस माउस की। एम्ब्रेन कंपनी का स्लीक वायरलेस ऑप्टिकल माउस विथ 2.4 GHz USB नैनो डोंगल, 3 कीज विथ साइलेंट क्लिक्स, 1200 DPI। तो यह है इसका बाहरी डब्बा। इसे खरीदा है हमने अम्माजान से। आप देख सकते हैं डब्बा कितना चपटा है इसका, आधे इंच से भी कम। तो ये देखिए, आ गया चूहा हमारा बाहर और प्लास्टिक की पन्नी में लिपटा हुआ था। ये माउस हमें मिल गया था 299 रुपए में डील ऑफ द डे वाले सेगमेंट में। चपटा तो ये है ही, देखिए इसकी लंबाई भी लगभग 3 इंच के आसपास है। और डब्बे के अंदर हमें माउस के साथ मिला है एक कार्ड, और कार्ड में लिखा हुआ है हेड ट्रीट रिव्यूअर्स ऑनलाइन, मतलब रिव्यू कीजिए। और कुछ क्या देंगे ये तो पता नहीं क्या देंगे। इसको करते हैं साइड में और देखते हैं अपने माउस को। यह माउस 4 अलग अलग कलर ऑप्शन में भी अवेलेबल है। मैंने ब्लैक वाला मंगाया क्योंकि ब्लैक वाला सस्ता पड़ता है, और ब्लू वाला 345 रुपए के आसपास पड़ता है, और एक व्हाइट वाला भी है वो भी 300 के आसपास पड़ता है, और एक पर्पल कलर का भी है। तो काफी स्लीक हैंडी सा डिजाइन है, हल्का फुल्का है। और ये दो क्लिक्स बीच में बटन, ये पीछे का ढक्कन, ढक्कन में अलग एक सिंगल बैटरी लगती है, और ये USB छोटा सा डोंगल। तो ये डोंगल आप सीधा इंसर्ट कर दें, प्लग एंड प्ले वाला माउस है ये। डिटेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, 2-3 लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स में प्लग इन करके देखा है, लेकिन टीवी वगैरह में प्लग इन करके नहीं देखा है। टीवी में शायद ना चले। इस माउस पे हमें 6 महीने की वारंटी मिलती है, 1 साल का नहीं मिलता, 6 महीने की मिलती है। कंटिन्यूस यूजेस करने पे आराम से एक बैटरी जो है 1 महीने तक चल जाती है। फील एंड टच भी काफी अच्छा है, गेमिंग के लिए तो उपयुक्त नहीं है। साउंडलेस क्लिक्स हैं, काफी हल्का फुल्का है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कि इसमें कोई भी ऑन ऑफ बटन नहीं है, आइडल छोड़ने पे ऑटोमेटिक ये 15 सेकंड में ऑफ हो जाता है। लैग भी देखने को नहीं मिलता है, रेस्पॉन्सिवनेस भी अच्छा है। तो जो लोग हर 3 महीने 6 महीने में अपना माउस बदलते हैं उनके लिए तो बढ़िया है भैया, ऐसा खरीदते रहो रंग बिरंगा। तो चलो फिर ठीक है, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।